बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं हम इसका। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रो, देन फिर एक्सरसाइज 11.2। अब आपको इंशाल्लाह 11 जो यूनिट है इसके कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। अब विंडोज़ वॉशर इज़ वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। एक विंडोज़ वॉशर है, ठीक है, वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है होटल की बिल्डिंग पर। और एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। और एक ऑब्जर्वर है, कितने डिस्टेंस पर मौजूद है, वो 20 मीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है बिल्डिंग से। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर टू बी 30 डिग्री। ठीक है, अब आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। द वर्कर क्लाइम्स अप 12 मीटर हाई, क्लाइम्स अप 12 मीटर एंड द ऑब्जर्वर मूव्स 4 मीटर फर्दर अवे। अब जो वर्कर जो काम कर रहा था वो 12 मीटर जो है वो क्या कर गया है, ऊपर की तरह ने बढ़ गया है काम करते करते, और ऑब्जर्वर भी मूव हो गया है अवे, 4 मीटर्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर। अब क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वर्कर का, ठीक है, बिल्डिंग के साथ या ऑब्जर्वर उसके साथ, वर्कर के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको समझाती जाती हूँ और यहाँ पर हम ड्रॉ करते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक आपके पास बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं, ये बिल्डिंग है, ठीक है। लेट सपोज ये बिल्डिंग है और आपके पास ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। अच्छा, अब ऑब्जर्वर जो है ना वो आपके पास, ट्वेंटी मीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं 20। असल में वीडियो बनाते हुए जो है ना बिल्कुल सही से हाथ नहीं पड़ रहे होते, इस वजह से फिगर हमेशा जो है वो, अब ये आपके सामने बनाना बहुत ज़रूरी क्योंकि आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी अगर मैंने पहले से बना के रख ली। तो यहाँ से ये लाइन थोड़ी सी बस, अब ठीक है, ये आपके पास आ गया है 20 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है ऑब्जर्वर, और वो ऑब्ज़र्व कर रहा है विंडो वॉशर को यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि एक विंडो वॉशर यहाँ पर काम कर रहा है, तो इसका जो एंगल बन रहा है ना वो 30 डिग्री का बन रहा है यहाँ से, ठीक है। अब आपके पास जो वॉशर है वो काम करते करते 12 मीटर हाइट उसने जो है ना ऊपर चला गया, 12 मीटर, अब वो यहाँ आ गया, ठीक है। ये 12 मीटर उसने क्या कर लिया है, ऊपर की तरफ चला गया है वो। अब ऑब्जर्वर भी 4 मीटर जो है वो अवे फ्रॉम द बिल्डिंग हो गया, अवे मतलब दूर चला गया भाई। तो इसको थोड़ा सा 4 मीटर और आगे कर लेते हैं, ये 4 मीटर है, ठीक है, ये 4 मीटर दूर अब ऑब्जर्वर यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। अब कह रहे हैं फ्रॉम द बिल्डिंग फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, अब वॉशर यहाँ पर है ना आपके पास यहाँ, अब ये आपने फाइंड आउट करना है एंगल, कि ये एंगल अब आपके पास क्या बन रहा होगा। अब इस पूरे ट्राइंगल को, अब ये दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को नेम देंगे, देन फिर हम स्टार्ट लेंगे सोल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं। तो मेरे पास जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसको मैं नाम दे रही हूँ, हम हमेशा ए इसको नाम देते हैं, ठीक है, इसी को देंगे ए बी सी, ठीक है। अच्छा, सी इसको नहीं देंगे, हम तरतीब से जाते जाते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई। अब आपके पास पूरी डी ए की जो लेंथ है, ठीक है, वो आपके पास है डी ई प्लस ए ई, डी ई 20 है, ए ई 4 है, तो डी ए आपके पास आ जाएगा 24 मीटर, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बता दी इसकी पूरे की लेंथ, यानी इसकी भी हमें लेंथ गिवन है। अब ये हमें 12 मीटर पता है यहाँ से यहाँ तक, बट यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ट्राइंगल को सपोज इस वाले को, ठीक है, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में आपको ये चाहिए, मगर इसके इसके लिए हमें ये ट्राइंगल कंसिडर करनी पड़ेगी पूरी, ठीक है, ए डी ए बी डी। इसके अंदर आपके पास ये एंगल गिवन नहीं है, ये साइड भी गिवन नहीं है,
ये साइड आपके पास बस गिवन है आपको, ठीक है, पूरी। तो मैंने इसलिए ये फाइंड आउट करके बताया आपको, ये पूरी हमें गिवन है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, इस साइड को फाइंड आउट करना मेरे लिए पहले ज़रूरी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इस ट्राइंगल को करेंगे कंसिडर, और इसकी मदद से ये आपके पास गिवन है, एंगल गिवन है, इसकी मदद से आप ये साइड फाइंड आउट करेंगे। फिर इस साइड को इस साइड में ऐड करेंगे, बी सी को सी डी में, तो आपके पास इस साइड की पूरी लेंथ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, ये भी अब आपके पास मौजूद है। तो आप ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ये है पूरा क्वेश्चन का सिनेरियो कि इस तरह से हमें करना है। चलिए डेटा बना लेते हैं, स्टार्ट करें। अब हम एक एक करके ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हम ट्राइंगल कंसिडर करें अभी फिलहाल सी डी ई, ठीक है। कंसिडर आ ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है। हम ट्राइंगल सी डी ई ले रहे हैं, इसमें आपके पास डी ई की जो लेंथ है वो है आपके पास 20 मीटर, सी डी आपने करना है फाइंड, और एंगल अल्फा आपके पास गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से सब बताएं हमें बस एंगल गिवन हो, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो आपके पास 10 जो है वो हम यूज़ करते हैं टिक्नोमेट्रिक रेशो, तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट 10 अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब हमारे पास हम ना यहाँ पे हमारे पास ये ई है, ठीक है, तो हम इसको स्मॉल ई नाम नहीं दे रहे, मैं इनको ए सी डी और इस नेम से जो है ना वो यहाँ पर राइट करूँगी। तो मुझे सी डी करना है फाइंड, और मेरे पास डी ई जो है वो मौजूद है। इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपके पास आप जो है वो स्मॉल अल्फाबेट जो यूज़ नहीं कीजिएगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप ये लाइन सेगमेंट यूज़ कीजिएगा, डी सी डी एंड डी ई। तो अल्फा आपके पास गिवन है 30 डिग्री, सी डी आपने करना है फाइंड, और डी ई की जो लेंथ है वो है आपके पास 20 मीटर, 10 30 आपके पास 0.5773, 20 यहाँ पर डिवाइड करें, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, सी डी आपके पास आ जाएगा 11.54, ठीक है, ये आ गई आपके पास सी डी की लेंथ। इसके लिए हमें इस बड़े ट्राइंगल के लिए हमें इस का पता होना ज़रूरी था, और ये हमने कर लिया फाइंड आउट। ये अब आपके पास है 11.54 मीटर हो गया। अब आप ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, कंसिडर ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल को आप कंसिडर कर रहे हैं। ए बी डी में हमें जो है वो एंगल फाइंड आउट करना है। अब एंगल को हम क्या नाम दें, यहाँ हमने नाम दे लिया था अल्फा, तो यहाँ हम दे लेते हैं नाम बीटा का, ठीक है, बीटा में करना है फाइंड आउट। हम यहाँ लिखेंगे कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा करना है फाइंड आउट। हमारे पास जो हाइट है, ठीक है, वो है आपके पास हाइट ऑफ द अब आपके पास ये किसकी हाइट है, तो वर्किंग वॉशर की है, वर्किंग हाइट ऑफ वर्किंग वॉशर, या फिर आप इस तरह ना लिखना हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ वर्किंग वॉशर ऑन बिल्डिंग, वो आपके पास इक्वल है बी डी के, ठीक है, और आपके पास बी डी इक्वल है आपके पास बी डी आपके पास इक्वल है बी सी प्लस सी डी के, बी सी प्लस सी डी के। तो हम यहाँ जानते हैं कि बी सी जो है भाई आपको गिवन था वो था 12 मीटर,
ठीक है, तो बी डी फाइंड आउट करने के लिए बी सी आपके पास है 12 मीटर, उसको आपने ऐड करना है सी डी में। सी डी अब आपके पास आ गया है यहाँ से 11.54, इसलिए मैंने जो है वो नेमिंग नहीं दी ए बी सी डी की, कि हमारे पास कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो हम जस्ट सी डी यहाँ पर मैंशन कर देंगे। बी डी आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 11.54 23.54, ठीक है, आ गई आपके पास बी डी की लेंथ। नाउ ए डी की लेंथ है आपके पास, अब आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्वर की, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अब ये किसके दरमियान का डिस्टेंस है, तो ये आपके पास बिल्डिंग और ऑब्जर्वर के दरमियान का डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ऑब्जर्वर इसको हमने कहा है ए डी। ए डी आपके पास इक्वल है ए ई प्लस डी ई, डी ई प्लस ए ई, दोनों चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर दें डी ई इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ए ई इज इक्वल टू 4 मीटर, तो ए डी की लेंथ आपके पास आ जाएगी 24 मीटर। ठीक, वी नो दैट। अब आपके पास देखें भाई, ट्राइंगल का ये एंगल मालूम करना है, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस साइड इज परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये है आपके पास यहाँ पर बेस, तो एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आराम से 10 का यूज करते हुए। टेन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब परपेंडिकुलर को हमने नाम दिया है बी डी का, ठीक है, और बेस है हमारे पास ए डी, ठीक है, अब आपके पास टेन अल्फा एज इट इज़, क्योंकि अल्फा करना है फाइंड आउट, ठीक है, यहाँ पर हमने ये मेंशन नहीं किया, यहाँ पे मेंशन भी कर दीजिए, अच्छा कर दिया था, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी मैंने नाम यहाँ बीटा दिया है, ठीक है, बीटा हो गया है। अब परपेंडिकुलर यानी बी डी है आपके पास 23.54 और बेस है आपके पास 24, आपके पास आ गया 0.9811, बीटा यहीं रहा, 10 वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा 0.9811, अब आपने 10 इन्वर्स प्रेस करना है कैलकुलेटर में और इसका एंगल फाइंड आउट करना है, आपके पास आ गया है बीटा 44.454, ठीक है, 44.454 डिग्री। अब ये डिग्री में है, तो आपकी बुक में जो आंसर है वो मिनट्स में गिवन है, तो मिनट्स में करने के लिए आपने क्या करना है, 44 को एक तरफ रखना है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है, ठीक है, 0.454, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 60 से, तो 0.454 × 60 के पास आ गया 27, बी इज इक्वल्स टू 44 डिग्री 27 मिनट। मिनट में चेंज करने के लिए आपने 60 से मल्टीप्लाई करना होता है और मिनट से डिग्री में लाने के लिए आपने 60 से डिवाइड करना होता है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई मिनट में लाने के लिए और डिग्री में लाने के लिए डिवाइड, ठीक है, हो गया आपके पास आंसर, तो आप लिख देंगे थर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 44 डिग्री 27 मिनट्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी जो है वो थोड़ा सा जो है ना कहें कि आपके पास बहुत समझने वाला क्वेश्चन था, अगर आपने डायग्राम अच्छे से नहीं समझी तो यहाँ पर आप जो है वो खुद से बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे कि आपने करना क्या है, तो हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के पहले आपने यहाँ पे फिगर बनानी है, डन, फिर आपने सिंप्लीफाई करना है।
ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रो के साथ।